काशी के गंगा आरती की तर्ज पर जिले के राप्ती तट स्थित प्रभु श्री राम घाट पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा भव्य गंगा राप्ती महाआरती का आयोजन किया गया। प्रत्येक रविवार को श्री राम घाट पर आयोजित होने वाले आरती में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल के अलावा अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राजघाट स्थित नवनिर्मित गोरक्षनाथ घाट पर प्रत्येक मंगलवार को राप्ती आरती का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा श्री राम घाट पर प्रत्येक रविवार को हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा आरती की जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने कहा। पिता देवो महेश्वरः पांडवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् बोले गुरु गोरक्षनाथ की जय। आप पिछले दो महीने से लगातार हम लोग प्रति शनिवार को मैं यहाँ पे आता हूँ। हालांकि यहाँ पे आरती तो प्रतिदिन होती है, लेकिन मेरी उपस्थिति यहाँ पे प्रति रविवार को संडे को लगातार होती है। पिछले बार दो महीने से हो रही है। चूँकि कोरोना पिछले वर्ष पूरी दुनिया में तबाही मचाया और हम लोग सोच रहे थे कि मार्च के बाद अप्रैल से पुनः स्कूल खोलेंगे, बच्चे स्कूल आएंगे, लेकिन जो स्थिति दिख रही है कि पुनः कोरोना का दूसरा कहर शुरू हो गया है। तो आज की इस आरती में हम लोग पूरी तरह से जो सरकारी प्रोटोकॉल है और कोरोना का प्रोटोकॉल उसको अनुपालन करते हुए हम लोगों ने आरती करते हुए बाबा मुक्तेश्वरनाथ से, बाबा गोरखनाथ से और राप्ती गंगा मैया से हम लोगों ने प्रार्थना की है कि इस कोरोना को ख़त्म करें और जनहित में जन कल्याण के लिए हम लोगों ने आरती की है। मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने घरों में, अपने आसपास में इस कोरोना के बचाव के लिए जो भी उपाय सरकार द्वारा और हमारे एक्सपर्ट और अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाते हैं उसका अनुपालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाएं और जो कोई भी बीमार व्यक्ति हो, उसको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी आ रहा हो, वो अपने आप को तुरंत अलग करके इसको बताए और इसका इलाज कराए, उसको छिपाए नहीं। और दूसरी बात कि मास्क पहने, इससे हम अपना बचाव करेंगे और दूसरे का भी बचाव करेंगे। और सैनिटाइजर हाथ धुलने का हर आधे घंटे पे और अपने आँख नाक मुँह छूने के पहले यानी चेहरे पर कहीं भी हाथ लगाने के पहले हाथ धुल के अच्छी तरह से साबुन से सैनिटाइजर से तभी छुएं। खाना खाने के पहले भी हम हाथ सैनिटाइजर से और साबुन से अच्छी तरह से धुल के ही हम भोजन लें, कोई भी काम करें। अपने शरीर की जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, चूँकि हमारे आयुर्वेद में तमाम औषधियाँ हैं और ऐसे हमारे भोजन पदार्थ हैं जिसको खाने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसमें सहजन एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। सहजन की पत्तियों का 100 ग्राम प्रतिदिन लोग खाएं, अपने भोजन में लें और इसको निरंतर करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलसी के कारण से भी बढ़ती है। और सहजन तो एक चमत्कारी पौधा है और
और जरूर लें इसको।